Anavila. I love Anavila's work. I think she's one of our most talented designers who actually works with craftsmen, works with handloom, works with very, very Indian textiles and creates something very timeless. Not just modern, but very timeless, very elegant, even though they're very simple. So she really goes with my style because I tend not to want to wear very heavy work. I wear fairly, you know, easy, simple fabric that I can, you know, breathe easily in, walk around in, work in. So she, her aesthetic really goes well with me. It fits me. So I'm particularly fond of her work. Indian youth ko. हाँ देखिए साड़ीज़ तो ज़्यादा लोग पहनते नहीं हैं यूथ यूथ के जब आप देखने जाएं हम भी अक्सर साड़ी तभी पहनते हैं जब कोई ओकेज़न हो जब कोई त्योहार हो या ऐसा कोई फंक्शन हो पर जो ये फैब्रिक्स हैं हमारे इतने देश भर के अलग अलग तरह से बने हुए फैब्रिक्स हैं वो मतलब इतने कीमती हैं हमें यूथ को एक्चुअली पहन के प्रचार करना चाहिए कि भाई इनको हमें दिस इज़ आर हेरिटेज दिस इज़ रियल लिविंग हेरिटेज और जिस तरह से अनाविला और दूसरे डिज़ाइनर संजय गर्ग काफ़ी इवन मॉडर्न जो बनाते हैं जैसे बॉडिस वो लोग सब इंडियन फैब्रिक को लेकर कुछ नया कर रहे हैं तो यूथ अगर इसमें दिलचस्पी ले तो इस हमारे लिए बहुत बेहतर होगा ये फिर बढ़ सकेगा रह सकेगा आगे की पीढ़ियों को देखने को मिलेगा हाँ मेडलिस्ट व्हाट कैन आई से आई मीन इट्स सच अ ग्रेट ग्रेट थिंग इट्स सो गुड फॉर वुमेन टू नो दैट यू नो वुमेन फ्रॉम इंडिया कैन गो टू एनी प्लेस एंड प्रूव देमसेल्व्स वी हैव द मोस्ट केपेबल young people in our country, capable women, with some encouragement, with some help and support from us, we can really go to the moon. So I'm thrilled. I want to thank Sakshi and Sindhu for making us so, so proud of them. We were really celebrating. I mean, a silver is and a bronze, I mean, it doesn't matter the color of the medal. It's just so great that they've reached the pinnacle of success in a sporting arena like this and made us all feel so good. So I just want to thank them. देखिए formula तो कभी हो नहीं सकता है कोई भी film actually अपने script के बल पे चलती है और अगर biopic अच्छी बनी तो चलेगी नहीं बनी तो नहीं चलती है तो वही topic को लेकर आप कोई और बनाए तो शायद ना चले तो बनाने के ऊपर बनाने वाले के ऊपर है बना स्क्रिप्ट के ऊपर है जैसे बनी है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर है तो आई डोंट थिंक कि बायोपिक बनाने से वो फट से सक्सेसफुल हो जाती है कामयाब हो जाती है अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और लोगों ने अच्छा बनाया तो ज़रूर हम लोग जाकर देखना चाहेंगे देखिए ह्यूमन स्टोरीज इंटरेस्ट पीपल अभी रियल लाइफ स्टोरी है तो शायद एक और थोड़ा उसमें एडेड इंटरेस्ट हो जाता है कि वाकई ये चीज़ हुई है और आपको ऑलरेडी एक अटैचमेंट या लगाव है उस कैरेक्टर से अगर स्पोर्ट्समैन है या म्यूजिशियन है या एक्टर भी हो सकता है कभी एक पुराने एक्टर की कहानी जैसे आपने यू नो किशोर कुमार पर फिल्म बनाई तो एक इंटरेस्ट होता है क्योंकि आप उस सिर्फ किरदार नहीं है आप उस रियल लाइफ कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो शायद इसका भी एक इसकी वजह है हैंडलूम क्लोथ्स जो आते हैं प्रोडक्शन उनका अगर होता है तो कॉमर्स उनका सबसे ज़्यादा योगदान जी है। जी तो आप उन्हें थैंक यू किस तरह कहेंगे हम पहन के ही थैंक यू कह सकते हैं अपने इन सब कारीगरों का उनका काम जो कि मैं मानती हूँ कि ये कला है ये सबसे अहम कला है हमारे देश में क्योंकि ये हम पहन सकते हैं ये खूबसूरत है ये हमारे देश का एक चिन्ह है और उससे ज़्यादा क्या हम उनको सलाम कर सकते हैं कि आपके कपड़ों को हम पहनते रहें और उनका यू नो मज़ा लेते रहें आना यू नो दिस ईयर वाज़ द पायलट ईयर ऑफ द सत्यमेव जयते वाटर कप सो आई थिंक बिफोर वी स्टार्टेड वी वर बिट नर्वस वी वर मेंट टू एक्चुअली स्टार्ट अ लिटिल लेटर बट सीएम साहब हैड सेड यू नो नाउ मॉनसून इज कमिंग लेट्स डू दिस एज अ टेस्ट ईयर और इसमें इस साल के कामयाबी से हमें बहुत सीखने को मिला और बहुत अभी ज़्यादा सब लोगों को
एक्साइटमेंट है नेक्स्ट अगले साल को लेकर, क्योंकि अब हम 10 गुना बढ़ाने की सोच रहे हैं. तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये एक क्षेत्र है जहाँ हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है. सत्यमेव जयते में रिसर्च हुई और फिर हम लोग अपने ही माध्यम से हम लोगों ने पेश किया, जो कम्युनिकेशन हमारा स्किल है. फिर पानी फाउंडेशन ने जब ये काम लिया तो वी डिसाइडेड हम लोग इसमें भी अपनी जो हमारी जो स्किल सेट है, जो कम्युनिकेशन है, जो लोगों से कनेक्ट करने की जो हमारी क्षमता है, वो यूज़ करेंगे. और काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही कामयाब रही, सब लोग बहुत खुश थे. तो बहुत है करने को, ये तो बस शुरुआत है. महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने के लिए 5 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे, इफ़ वी आर लकी, नहीं तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कोशिश हम लोग जारी रखेंगे. थैंक यू.